हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं स्टार वुडवर्क। आज ये देखेंगे कि 8x12 का बेडरूम का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं और उसमें वॉलड्रॉप वगैरह किस तरीके से हम बिठाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फर्नीचर से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपने चैनल पर देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं स्टार वुडवर्क। आज ये देखेंगे कि 8x12 का बेडरूम का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं फर्नीचर से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो जैसा कि यहां पर सामने में देख रहे हैं, एक 5x7 का वॉलड्रॉप है जो कि स्लेडिंग वॉलड्रॉप है। उसके हमने राइट साइड में यहाँ पर एक डोर बनाया है जो कि यहाँ से इसके पीछे जो बाथरूम है उसके लिए यहाँ पर एक डोर बनाया है। ये जो साइड में बॉक्स देख रहे हैं दो साइड, उसका ऊपर हमारा ये MDF का जाली लगेगा जो कि अभी हमारे MDF के जाली को यहाँ पे पॉलिश करना है, इसीलिए अभी इसका फिटिंग नहीं किया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने MDF का जाली कटिंग किया है। अभी यहाँ पे इसके अंदर रूफ लाइट फिटिंग करके हम यहाँ पे ये MDF का जाली फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमने करंट के लिए वायर वगैरह सभी छोड़ दिया है। यहाँ पे एक वॉल के अंदर जो कि अलमारी बना हुआ था उसको हमने फ्रेमिंग में प्लॉट का फ्रेम बना के इस तरीके से नीचे में डोर लगाया है और ऊपर में यहाँ पे ग्लास की भी डोर लगाया है। तो जैसा कि यहाँ पे सामने में अभी देख रहे हैं, ये हमारा बेडरूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप ऊपर अभी यहाँ पर देखें, वहाँ पर 4 डोर थे और ये जो बेड है ये 5x7 का बेड है जिसके दोनों साइड में हमने एक एक फीट का जगह दिया है और यहाँ पे जो कि जाने आने के लिए। ये जाली इस तरीके से इसका डिज़ाइन 8x12 का बेडरूम है। जैसे कि यहाँ पे सामने में MDF का जाली हमने लगा दिया है जो कि चॉकलेट कलर का इसका पॉलिश किया हुआ है और स्क्रू फिटिंग करके उसके ऊपर हमने यहाँ पे डायमंड लगाया है और नीचे में यहाँ पे 1.5x7 का कुशन है जो कि चॉकलेटी कलर में है। और यहाँ पे जो वॉल के अंदर अलमारी बना हुआ था जिसमें अंदर पत्थर का सेल्फ लगाया है, उसको ऊपर में हमने ग्लास के 3 डोर यहाँ पे लगाए हैं और उसके साइड में यहाँ पे 1.5x7 का ड्रेसिंग टेबल है जिसको यहाँ पे ऊपर में एक ग्लास का डोर बनाया है जिसके पीछे यहाँ पे सामान आप खुद भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। इसके अंदर ही यहाँ पे इसके बटन का स्विच आया है और नीचे में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का सामान रखने के लिए एक ड्रा बनाया है और उसके नीचे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है। ये बेड के नीचे यहाँ पे 4x5 का एक हमने ट्रॉली बनाया है जो कि रेगुलर अपना सामान यहाँ पे रखकर यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बेडरूम का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जैसे ही एक डोर खोलेंगे इसके पीछे बाथरूम को जाने के लिए रास्ता है और ये स्लेडिंग वॉलड्रॉप, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 खाने बनाए हैं जो कि 1.5 फीट के 4 खाने हैं। और इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 ड्रॉ हैं जो पैसे कैश वगैरह यहाँ पे रखना है रख सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लॉक भी लगाया है और इसको ऐसा चप्पा वाला हैंडल लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको स्ट्रेट हैंडल लगाएंगे तो ये डोर बंद नहीं होगा। बहुत थोड़ा था, कम स्पेस था यहाँ पे, इसलिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना ख्याल।